दोस्तों, हम लोग पिछले कुछ दिनों से कोरलड्रा सीख रहे हैं और हम लोग बहुत सारे टूल्स के बारे में सीख चुके हैं, कलर हो या टेक्स्ट हो। और पिछले वीडियो में मैंने बताया है टेक्स्ट टूल का यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग जितने भी टूल्स सीखे हैं सारे टूल्स को मिलाकर एक बढ़िया सा डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में टेक्स्ट टूल का यूज हम बताए थे आपको, और यहाँ पे क्या करना है ना हम लोग को कि ये वाला डिज़ाइन आज हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ये एक आईडी कार्ड है और इसी को आज हम लोग ना बनाने वाले हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करके यहाँ पर हम लोग कर देते हैं इसको लॉक, ताकि ये इधर उधर ना हो पाए। देखिए, अब हम लोग आते हैं। सबसे पहले इसका ना साइज़ हम लोग को देख लेना है कि साइज़ कितना है। तो अभी हम लोग यहाँ से एक ले लेते हैं रेक्टेंगल। जैसा कि हम स्टार्टिंग में ही आपको बताएं कि सारे टूल्स का हम लोग यूज करेंगे, तो एक हम लोग यहाँ पे ले लिए रेक्टेंगल, जिसका साइज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इसको हम लोग यहाँ से इंच में कर दें तो आपके अच्छे से पता चल जाएगा 2.6 इंटू 3.8 है। तो इसको हम लोग ना कर देते हैं 2.6 इंटू 3, या फिर चलिए इसको हम लोग इतना ही रखते हैं। अब इसमें हम लोग ना सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ये वाला जो ग्रीन वाला एरिया है इसको बनाना है। तो किसी भी डिज़ाइन को अगर आप कभी भी बनाते हैं तो जो सबसे पहला काम होता है वो होता है टेक्स्ट का, और टेक्स्ट को कैसे हम लोग को अरेंज करना है वो हम पिछला वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से ए पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले ऊपर वाला जो लिखा हुआ है उसको हम लोग लिखना है। तो कैप्स लॉक हम कर लेंगे ऑन और ये हम लिख दिए पढ़ाई वाला। इसको हम लोग लाएंगे नीचे, ठीक है, और इस पर डबल क्लिक करेंगे और कंट्रोल ए करने के बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है सेल्स एग्जीक्यूटिव, तो इसको हम लोग लिख देंगे सेल्स एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इसका साइज होगा छोटा, तो ये दोनों को सिलेक्ट करेंगे और सी प्रेस कर देंगे, बीच में आ जाएगा। अब ये वाला हम लोग को पार्ट्स लिखना है, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लाएंगे और कर देंगे राइट क्लिक, और इसका साइज हम लोग ना कर देंगे छोटा, और डबल क्लिक करने के बाद इसको हम लोग कर देंगे सिलेक्ट। अब है एम्प्लॉई आईडी, इंटर करेंगे, लिखेंगे मोबाइल नंबर, इंटर करेंगे और ईमेल आईडी। हम चाहते तो पहले से ये सब लिख कर रख लेते हैं, लेकिन आप लोग को पूरा प्रोसीजर बताने का था इसलिए हम इसको लिख कर नहीं रखें। अब ये चारों चीज़ को हम लोग लिख लिए हैं। अब इसको ना थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका स्पेस कम है, तो सबसे पहले इसका हम लोग साइज 11 है तो उसको हम लोग कर देते हैं 9। और इसका फ़ॉन्ट हम लोग को चेंज करना है, तो फ़ॉन्ट स्टाइल में हम लोग आएंगे और यहाँ से हमको फुटुरा फ़ॉन्ट चाहिए। अब इसका जो स्पेस है ये हम लोग को ज़्यादा करना है, तो यहाँ से स्पेस टूल, ये सॉरी शेप टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको हम लोग इतना हम कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ से लाएंगे कंट्रोल होल्ड करके और राइट क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद ये वाला जो मेरे पास है इसको हम लोग दे देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट यहाँ पर लाएंगे, डबल क्लिक करेंगे और कंट्रोल ए करने के बाद सिलेक्ट कर देंगे, और यहाँ पर जो भी है एम्प्लॉई आईडी उसको हम दे देते हैं अभी फ़िलहाल। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर है, यहाँ पे आप मोबाइल नंबर कोई सा भी डाल लीजिए। ठीक है, हम डाल देते हैं कोई सा भी, 1 2 3 4 5, और इसके बाद इंटर करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ईमेल आईडी support@, ये हो गया ईमेल आईडी, और यहाँ पे है तो इसको हम लोग इस तरह से लिख देते हैं। अब ये मेरा जो भी काम था इसको क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग ना रखते हैं साइड में, मेरा जो भी टेक्स्ट का काम था इसको हम लोग रखते हैं साइड में। इन लोग दोनों को क्या करना है, हम लोग को यहाँ से फुटुरा फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है, और इसको हम करना चाहते हैं बोल्ड। ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देंगे और इसको रख देंगे इधर। अब हम लोग को मेन डिजाइन वाला है, तो यहाँ पर आपको एक इसी का बॉक्स ले लेते हैं इतने पर और कर देते हैं राइट क्लिक। इसको हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करके कंट्रोल क्यू भी कर सकते हैं या राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं। उसके बाद सेव टूल पे आ जाना है। अब यहाँ पे इसका एकदम बीच में हम लोग को चाहिए, तो बीच में कैसे हो पाएगा, तो यहाँ से ये रूलर को हम लोग पकड़ेंगे और यहाँ पे लाकर ऐसे प्लेस कर देते हैं। अब F10 से हम लोग सेव टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर एक डबल क्लिक करेंगे और शिफ्ट होल्ड करके इसको हम लोग नीचे लेकर आ जाएंगे। ठीक है, ये एक बन गया। और इसी को अब हम लोग को क्या करना है, एक इसका हम लोग ना पहले कलर फिल कर देते हैं। चलिए अभी हम लोग ना एक अलग सा कलर फिल करते हैं, एक हो गया मेरा ग्रीन, आउटलाइन को हटा देते हैं। और इसी को पहले हम लोग ना थोड़ा सा करते हैं इसको छोटा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, और इसका जो ये वाला पार्ट्स है इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। इसके बाद इसी को हम लोग को करना है यहाँ से ऐसे पकड़ कर, और हमको लगता है कि इतना ठीक है तो कर देंगे राइट क्लिक।
ठीक है। और इसका कलर जो है ग्रीन, यहाँ पे आप थोड़ा देर तक होल्ड कीजिएगा तो यहाँ पे इसका पूरा कलर का प्रॉपर्टी दिख जाएगा। और कंट्रोल पेज डाउन से आप इसको नीचे कर दीजिए। ये तो मेरा ऊपर वाला क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ का स्पेस और यहाँ का स्पेस ना थोड़ा सा कम और ज़्यादा हो जा रहा, मतलब बराबर नहीं है। तो हम लोग को ये वाला को सिलेक्ट करेंगे, सेव टूल को सिलेक्ट करेंगे और ये दोनों को सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आ जाए। तो आई होप ये अब ठीक हो गया। उसके बाद अब ये वाला हम लोग को चाहिए, तो यहाँ से हम लोग पॉलीगॉन सिलेक्ट करते हैं। यह 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 6 और कंट्रोल होल्ड करके इसको हम लोग कर लेंगे ड्रा, और इसको ला कर रख देना है बीच में, ठीक है। लेकिन अभी आप यहाँ पे देखिए इसका क्या है, यहाँ पे राउंड है। तो हम आपको बताए थे इससे पहले वाले वीडियो में स्मूथ टूल के बारे में, तो स्मूथ टूल हम लोग यहाँ पर साइज इसका बहुत ही बड़ा है, तो इसको हम लोग ना साइज कर देंगे कम, हम 2 कर देते हैं साइज, 2 भी बहुत ज़्यादा है तो हम 0.2 कर देते हैं, ठीक है। आई होप ये ठीक हो गया। अब इसको बड़ा करके इसको हम लोग ना थोड़ा सा कर लेंगे स्मूथ, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ भी स्मूथ कर लेंगे, और जितना भी मेरे पास कॉर्नर है उसको हम कर लेंगे यहाँ पे स्मूथ। तो ये स्मूथ हो गया, और भी अगर चाहें तो और भी इसको हम लोग स्मूथ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी ना इसको हम लोग इतना ही पर रहने देते हैं। अब इसमें एक ग्रीन कलर का हम फिल देना चाहते हैं, तो ये ग्रीन हो गया, ठीक है। लेकिन जो पीछे वाला उससे थोड़ा सा अलग होना चाहिए, तो इसको हम ना ये वाला दे देते हैं। अब पूरा पता चल रहा है, अगर इसको चाहे ना तो हम लोग और भी इसको थोड़ा सा स्मूथ करते हैं। इसका साइज 0.1 है ना, 0.5 कर देते हैं। अब ये ना बहुत जल्दी ही स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये इसको हम लोग और भी स्मूथ कर लेते हैं इसको सिलेक्ट करने के बाद। तो इस तरह से आप किसी भी कॉर्नर को स्मूथ कर सकते हैं, और इसके बारे में पूरा डिटेल्स में मैंने ना पहले से वीडियो बना के रखा हुआ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब इसी को क्या करना है, यहाँ पे इस वाले कॉर्नर को पकड़ना है, शिफ्ट को होल्ड करना है और कर देना है छोटा, और कर देना है राइट क्लिक। इस वाले में हम लोग को चाहिए क्या, फ़ोटो। तो ये वाला हम कलर इसमें फिल कर देते हैं। ये वाला मेरा डिज़ाइन क्लियर हो गया है। अब नीचे ये वाला डिज़ाइन चाहिए, तो इसके लिए अब हम लोग को क्या करना है, सेम टू सेम प्रोसेस अपनाना है। यहाँ से एक लाना है इसको, और ये वाला जो मेरे पास दोनों है ना, इसको हम लोग को और छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो टेक्स्ट का है उसको भी हम लोग को चाहिए जगह। इसको और हम लोग ना ऊपर करते यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक शैडो टाइप का है, तो अभी तक हम लोग ना शैडो टूल नहीं सीखे, इसलिए हम इस वीडियो में उसके बारे में हम लोग बात अभी नहीं करेंगे। अब उसके बाद सबसे पहले हम लोग को कर लेना है, इसको प्लेस कर लेना है अपने हिसाब से, इसको अच्छे से सबको फिट कर देना है। यहाँ पे दोनों का साइज और साइज वाइज ठीक है, इसका थोड़ा सा स्पेसिंग ज़्यादा था तो इसको हम लोग ना कम कर दिए, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और कर देंगे छोटा। फिर ये जो मेरे पास टेक्स्ट हम लिखे हैं, ये सारे टेक्स्ट को लाएंगे, और सबसे पहले इसका जो ये है स्पेसिंग उसको करेंगे कम, और इसको कर देंगे कम, और इसको ला कर रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। सारे को कंट्रोल जी कर देंगे, और यहाँ पे शिफ्ट होल्ड करेंगे और किसी इस वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे और सी प्रेस कर देंगे, तो ये पूरा बीचों बीच में हो जाएगा। ये दोनों को सिलेक्ट करके सी प्रेस कर देंगे, तो ये हो गया। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा, अब यहाँ पे अगर हम लोग